नमस्कार व्यूवर्स। तो इस वीडियो में हम इंटीजर के तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसमें से पहला टॉपिक है एडिटिव आइडेंटिटी, दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। तो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी वो इंटीजर है जिसको हम किसी भी इंटीजर में अगर ऐड करें तो वही इंटीजर हमें रिजल्ट में मिले। तो ऐसा इंटीजर कौन सा है? ज़ीरो है। तो अभी आप देख सकते हो इसमें, अगर मान लेते हैं हम ज़ीरो को किसी भी इंटीजर में आप ऐड करोगे तो वही इंटीजर आपको मिलेगा। जैसे मान लेते हैं मैं अगर बी में ज़ीरो को ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? बी ही रिजल्ट में मिलेगा। अभी मान लेता हूँ मैं किसी पॉजिटिव इंटीजर में ऐड करता हूँ, जैसे 12 में ज़ीरो ऐड कर रहा हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? 12 ही रिजल्ट मिलेगा। अब किसी नेगेटिव इंटीजर में हम ऐड करके देख लेते हैं, मान लेते हैं -5 में ज़ीरो ऐड कर रहा हूँ तो रिज़ल्ट में क्या मिलेगा? -5। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गया हमारा? एडिटिव आइडेंटिटी क्या है हमारा? ज़ीरो। ज़ीरो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, इसका मतलब ऐसा कोई इंटीजर जिसको हम किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर हमें रिजल्ट में मिले। तो ऐसा इंटीजर क्या है? वन। वन क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो अभी देख लेते हैं। देखो वन को, मान लो वन को मैं सी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को सी ही मिलेगा। ये जनरल के लिए ले लिया मैंने, सी एक वेरिएबल है। अभी मान लेता हूँ मैं किसी पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ सी को, वन को सॉरी, 12 के साथ में मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे को 12 ही मिला। नेगेटिव इंटीजर के साथ में अगर मैं करता हूँ तो -5 के साथ मान लो मैं वन को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? -5 ही रिजल्ट में मिल रहा है। तो वन क्या है हमारा? वन क्या है हमारा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अभी हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। अगर किसी भी इंटीजर को हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी नंबर को हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो आप किसी भी इंटीजर को ज़ीरो से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? ज़ीरो ही मिलेगा। जैसे एक कॉमन अगर नंबर ले लेते, कॉमन वेरिएबल ले लेते, मान लेते मैं ए ले लेता हूँ, इसको अगर मैं ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या अगर ज़ीरो रिजल्ट देगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी पॉजिटिव या 12 मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो, ज़ीरो -5 मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो, ज़ीरो, तो ज़ीरो क्या है? एक ऐसा नंबर, ऐसा इंटीजर है जिसको किसी भी इंटीजर से आप मल्टीप्लाई करिए वो रिजल्ट में ज़ीरो ही देगा। तो आशा करता हूँ आपको एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेशन बाई ज़ीरो समझ आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।